हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। डेली बेसिस पे हम लोग द हिंदू के 10 7 से 8 एमसीक्यू देखते हैं। आज फिर से देखने वाले कौन कौन से टॉपिक। नंबर 1, राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उससे संबंधित एक प्रश्न, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से आज द हिंदू का एक आर्टिकल निकला हुआ है, जहाँ पर अडॉप्शन को लेकर, इलीगल अडॉप्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त है, ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो आपके लिए राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन संबंधित क्वेश्चन कि शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार आपको दिया गया, यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता रखा है मैंने। नंबर 2, नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित एक प्रश्न, छोटा सा आर्टिकल निकला हुआ है द हिंदू के फ्रंट पेज पे, एक हाथी फ्रंट पेज पे, जिसके लिए टेस्टिंग हो रहा है कोविड का। तो एक टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रश्न, जिसमें उत्तर से दक्षिण टाइगर रिजर्व को लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 51 नंबर, 51st नंबर का टाइगर रिजर्व भी पता लग जाएगा आपको। टोटल 51 टाइगर रिजर्व है भारत में, 51 नंबर का नया बना एकदम। ऑपरेशन पेंजिया, ये कौन सा ऑपरेशन है, किससे संबंधित है, क्या है ऑपरेशन पेंजिया, द हिंदू में आर्टिकल निकला हुआ है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने, बजाय इसके कि मैंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा चर्चा करी हो, सीधे कौन संस्था इसको निकालती है इस पर चर्चा करी, यही क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मालदीप को अंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो आज मैंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आपको क्या लगता है, कौन से कथन सही है। इसके बाद जीनोम सिक्वेंसिंग, भारत में एक एडिटोरियल निकला था हिंदू में, जहां पे बताया गया कि भारत में किस प्रकार से जीनोम सिक्वेंसिंग या फिर जीनोम अनुक्रमण पर सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा, शायद इसलिए हम बहुत जल्दी जिस प्रकार से अमेरिका और जापान वेरियंट के बारे में पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं और उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी को करते हैं, भारत उन सब में पीछे, हमारा जीनोम सिक्वेंसिंग हो ही नहीं पा रही सही से। और सबसे आखिरी, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, एक रिपोर्ट निकली जिसका संबंध है किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु परिवर्तन है, किस प्रकार से भारत पर एक तरीके का कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लेकर आता है क्लाइमेट चेंज से, क्या क्या दिक्कतें भारत में हो रही हैं, इसके बारे में रिपोर्ट निकली, इससे संबंधित प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। ईसीएस इंश्योर्ड सर्विसेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, घंटी लगी होगी उस पर प्रेस करें, तो आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी 90 डेज का प्लान लेकर आऊंगा, कैलेंडर मोस्ट प्रोबली 2 3 दिन में आपके सामने होगा, तो ये न्यूज तो आपको वैसे ही मिली रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कल भी ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी करी गई कि जो इलीगल एडॉप्शन हो रहे हैं, द टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल एडॉप्शन, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है। कारा जो अथॉरिटी है, जिसके बारे में मैंने कल क्वेश्चन रखा है, आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको कारा अथॉरिटी के बारे में कल जरूर देखना चाहिए, मैंने उसको हिंदी में भी रखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी के भाषाई, मतलब उसमें परेशान ना हो कि भाषा को लेकर ये इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में मैं उसको बोल रहा होता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनमें से कौन सा कथन सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, अधिकार शोषण के विरुद्ध संबंधित जो आपका मौलिक अधिकार है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला लिखा हुआ है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21, 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये एनश्राइन किया गया संविधान में 21, 23 और 24 अनुच्छेदों के अंतर्गत। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015-16 या 2018 में। ठीक, स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार, इन दोनों ही को प्रोहिबिट किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। मेरे ख्याल से अब तक आपको आंसर पता लग गया होगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट दो हैं, एक है 23 और एक 24, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 21 एक्स्ट्रा लिखा है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बातें करता है, जबकि 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बातें करता है। यहाँ पे 24 की जगह अगर 23 होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। इसका मतलब सही कथन कौन सा हो गया, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, तो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन ट्यूजडे अपॉइंटेड अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड उत्तर प्रदेश कैडर आईएएस ऑफिसर टू द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में चुनाव के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला कथन लिखा हुआ है, द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओनली, ये जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, ये जो बॉडी है चुनाव आयोग, ये एडमिनिस्टर करती है, किनके चुनाव को लेती है, लोकसभा का चुनाव कराती है, राज्यसभा का कराती है,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कराती है, राज्य की विधानसभाओं का कराती है, केवल इन लोगों का चुनाव कराती है। नंबर टू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज कैग। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके कार्यकाल की सुरक्षा उनको प्रदान करी गई है, क्योंकि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता उनके पद से, और अगर उनको रिमूव करना है तो वह ठीक उसी प्रकार से अपने पद से रिमूव होंगे जैसे भारत का कंपटोरल ऑडिटर जनरल होता है, ठीक, महालेखा नियंत्रक जो होता है, जैसे वह अपने पद से रिमूव होता है उसी प्रोसेस के द्वारा इन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चुनाव आयुक्त को हटाना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही चुनाव आयुक्त को पद से रिमूव किया जा सकता है। ये तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट सीडीएस और एनडीए ने कई बार पूछा हुआ है, छोटे एग्जाम थर्ड स्टेटमेंट को बहुत बार पकड़ के लेके चलते हैं। पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इन लोगों का चुनाव नहीं कराती, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव कराती है, यहां लिखा है ओनली, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो दी गई है और इनको पद से हटाया जाएगा, तो उस पद से हटाए जाने की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की होगी जैसे एक कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया है। कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, उनका कहना होगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखा होना चाहिए, चाहे वो कैग लिखा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट लिखा हो, चाहे हाई कोर्ट के जज के बारे में चर्चा की गई हो, इन सबको पद से हटाने का, चाहे सीजेआई को पद से हटाने की प्रक्रिया की गई हो, इन सबको पद से हटाने की एक ही प्रक्रिया है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पॉलिटी में। थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर आपको चुनाव आयुक्त को हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त के इतर चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की रिकमेंडेशन लगती है, इनकी अनुशंसा पर ही चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसका मतलब सही स्टेटमेंट कौन से हो गए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन टू एंड थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, अब ये फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, नेजल स्वैब बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एन एलिफेंट एट अ कैंप इन तमिलनाडुस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व टू टेस्ट फॉर कोविड-19। तो टाइगर रिजर्व का मैंने सीक्वेंस पूछा आपसे, उत्तर से दक्षिण दिशा में टाइगर रिजर्व का सीक्वेंस हमें बता दो, कौन सा सीक्वेंस सही है, दांदेली अंशी, उसके बाद सत्यमंगलम, उसके बाद मेघमलाई, उसके बाद कलक्कड़ मुंडन थुरई। तो आपको बताना है कलक्कड़ मुंडन थुरई इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है उत्तर से दक्षिण की ओर में, ठीक, तो ये आपको बताना है। तो अब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो कर्नाटक में है, बाकी ये तीनों तमिलनाडु में है, ठीक, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस है। तो मेरे ख्याल से सही सीक्वेंस आपको ना पता लगे तो कम से कम डायग्राम में देख लो, तो ये देखो दांदेली अंशी ये है कर्नाटक में, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ सत्यमंगलम, सत्यमंगलम कहाँ पे, तमिलनाडु। इसके बाद लिखा हुआ है मेघमलाई, मेघमलाई, और इसके बाद लिखा हुआ कलक्कड़ मुंडन थुरई, ये लिखा है कलक्कड़ मुंडन थुरई तमिलनाडु। तो उत्तर से दक्षिण में सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये जो मेघमलाई आपको दिख रहा है ये 51 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये जो मेघमलाई आपको दिख रहा है ये 51 नंबर का टाइगर रिजर्व है, भारत में 51 टाइगर रिजर्व है, याद रखना, भूलना मत, क्वेश्चन आ सकता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है क्रैकडाउन ऑन फेक मेडिसिन ऑपरेशन पेंजिया के बारे में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑपरेशन पेंजिया नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है ऑपरेशन पेंजिया 14 द एक्सरसाइज वाज कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल, इंटरपोल के द्वारा ये एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेट किया गया, किसके लिए, फेक मेडिसिन के लिए। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व द पुलिस कस्टम्स एंड हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ 92 कंट्रीज अगेंस्ट द सेल ऑफ फेक एंड इलिसिट मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स, जो फर्जी सामान बेच रहे हो मेडिकल प्रोडक्ट्स उनके लिए 92 कंट्रीज के द्वारा इन लोगों के अगेंस्ट इंटरपोल के अंतर्गत रहकर इस ऑपरेशन पेंजिया को चलाया गया। इंडिया एजेंसीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन, भारत की जो एजेंसी है इंटरपोल से संबंधित सीबीआई उसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया ऑपरेशन पेंजिया में। आपको बताना कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे ऑपरेशन पेंजिया लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि 92 कंट्रीज अगेंस्ट द सेल्स ऑफ फेक एंड इलिसिट मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स, कोड नेम है ऑपरेशन पेंजिया, द एक्सरसाइज वाज कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल, इंडियन एजेंसीज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन, जो सीबीआई के ऑफिशियल है उनके द्वारा ऐसा बोला गया।
इसका मतलब 1 एंड 2 आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सीबीआई ने भी पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन पेंजा का संबंध किससे है? फेक मेडिसिन से, फेक मेडिकल प्रोडक्ट से और इलिसिट मेडिसिन से। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, आगे चल रहे। ये आपके ऐसे में आ सकता है, ऐसे में आप इसको कोट कर सकते हो, ऑपरेशन पेंजिया। सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि बताइए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये आपको खुद होमवर्क है आपका, कि आप बताएंगे इनमें से कौन सी संस्था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज करी गई, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2015 में यूपीएससी में ये पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताइए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। जबकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को कौन करता है रिलीज, तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। यूपीपीसीएस ने 2021 या 19 के प्री में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक, क्वेश्चन यहां से बताना। नेक्स्ट, अब मालदीव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद के लिए जीत गया, 76वें सेशन के लिए जीते हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद बन गए अध्यक्ष 76 सेशन के। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कल पढ़ लिया है, तो आज सुरक्षा परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है टोटल 15 मेंबर है आर देयर इन द काउंसिल, परिषद में टोटल 15 मेंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉट परमानेंट, 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है, उसके द्वारा इन अस्थायी 10 सदस्यों को 1 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष बने 76वें सेशन के, उनका टेन्योर 1 साल ही होगा, ठीक। लेकिन ये जो नॉन परमानेंट लोग हैं, इनका टेन्योर भी 1 साल होता है, ये आपको बताना है। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज टेकन परमानेंट रेजिडेंस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। जो इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, न्यूयॉर्क सिटी में है। आपको बताने में से कौन से कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट 100% ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है कि टेन्योर 1 नहीं 2 ईयर होता है, तो इसे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा एकदम सही है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, इसका मतलब सही स्टेटमेंट है 1 एंड 3, ठीक है, याद रखना, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एडिटोरियल निकला है द हिंदू में, पढ़ना चाहिए आपको। लिखा हुआ है ब्रिंग जीनोमिक सिक्वेंसिंग इनटू द पेंडेमिक फाइट। जीनोमिक सिक्वेंसिंग, जीनोम अनुक्रमण को भारत को बढ़ाना चाहिए पेंडेमिक जो कोविड-19 है इससे लड़ने के लिए। तो व्हाट इज जीनोम अनुक्रमण, क्या है ये जीनोम अनुक्रमण? पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जीनोम सिक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इन अ जीनोम। तो एक जीनोम में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के मतलब इनके ऑर्डर को जानने के लिए एटीजीसी, जो मैंने आपको कई बार एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन बता रखा है, इसके सीक्वेंस को जानने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग या जीनोम अनुक्रमण किया जाता है। जीनोम क्या होते हैं, जो आपके शरीर में आरएनए डीएनए है, इनको संयुक्त रूप से जीनोम कहा जाता है। द जीनोम सिक्वेंस विल रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल शॉर्टकट हेल्पिंग साइंटिस्ट फाइंड जीन्स मच मोर इजली एंड क्विकली। अमेरिका जापान जो बहुत जल्दी उस जीन को पहचान ले रहे हैं, उनका उसका कारण है कि वो जीनोम अनुक्रमण बहुत तेजी से कर रहे हैं। भारत में ये नहीं हो पा रहा सही दिशा में, इसलिए भारत को नए वेरिएंट को पहचानने में टाइम लग रहा है। ये जो जीनोम अनुक्रमण है ये मदद करता है, इट विल रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल शॉर्टकट हेल्पिंग साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को मदद करता है फाइंड जीन्स मच मोर इजली एंड क्विकली, ताकि उनको पता रहे कि इसकी इसका इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है ये जीन। तो सही आंसर क्या है इसका, बोथ ऑप्शन आर ट्रू, ऑप्शन सी, ठीक, याद रखना, जीनोम सिक्वेंसिंग पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अंतिम प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज निकली, इंडिया में लॉस 3 to 10% GDP एनुअली बाई 2100 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एक रिपोर्ट की तरह ऐसा बोला गया, इस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया, जो कि रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, भारत में क्या कॉस्ट है जलवायु परिवर्तन की। इस रिपोर्ट में बोला गया कि भारत को 3 से 10% GDP का लॉस होगा 2100 तक, 2100 तक, अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, जब 2100 तक हम लोग पहुंचेंगे तो भारत को 3 to 10% GDP एनुअली हर वार्षिक लॉस होगा जलवायु परिवर्तन के चलते, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया।
और क्या तथ्य है इस रिपोर्ट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट लिखा है द रिपोर्ट फाइंड्स दैट इवन इफ द टेम्परेचर आर कंटेन्ड टू 2 डिग्री सेल्सियस इंडिया विल लॉस 2.6% GDP एनुअली। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रखने का जो पेरिस क्लाइमेट समिट के द्वारा प्रावधान किया गया है इतना भी अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते मेंटेन कर लेता है विश्व तब भी भारत को 2.6% हर साल GDP का एनुअली का लॉस होगा घाटा होगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट दैट हैव वार्म्ड द फास्टेस्ट हैव सीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो ऑन एवरेज 56% लेस देन दोज दैट हैव वार्म्ड द स्लोएस्ट। जो जिले बहुत तेज गर्म हो रहे हैं या जो जिले तेज होने वाले जिलों से धीमे गर्म हो रहे हैं उनकी जो वार्मिंग है वो धीमी है उन नहीं गर्म होने जो धीरे गर्म हो रहे हैं जिले उनमें 56% GDP का लॉस कम है। ये स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस रिपोर्ट जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट। इसके द्वारा ये दोनों ही स्टेटमेंट बोले गए हैं। दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोनों स्टेटमेंट लेकिन हाँ आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे जब आ सकता है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से संबंधित जहां पे उसके प्रभावों की बात की जाए तो आप कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के इन पॉइंट्स को पुट कर सकते हो। जानबूझ के मैंने इनको लिखा रखा है ताकि आप इनको डेटा से लिख लें। ठीक तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। इंश्योर सिविल सर्विसेज ECS को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन पे प्रेस करिए लाइक करिए। टेलीग्राम लिंक अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे प्रियांशु दुबे ऑफिशियल तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये फोटो दिखाई देगी। मैं पीछे हट जाता हूँ ये आपको फोटो दिखाई देगी। इस फोटो पे जाके अगर आप इस चैनल को लिंक को ज्वाइन कर लेंगे तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर के साथ में द हिंदू के एडिटोरियल के साथ में जनसत्ता दैनिक जागरण या फिर पायोनियर या फिर गार्जियन इनके एडिटोरियल मैं शेयर करता रहता हूँ। और जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी जैसे ये 10 MCQ है ये मैं वहीं पर शेयर करूंगा बैठ के रात तक ये शेयर कर दूंगा मैं। और भी महत्वपूर्ण चीजें जैसे मुझे पोल कराना होता है कि अब आगे क्या होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ECS का एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे डेली बेसिस पे 5 MCQ कराए जाते हैं। आप 5 MCQ में रोज सुबह 8 बजे तक वो डाल दिए जाएंगे शाम तक आपको आंसर सबमिट करने होते हैं। फिर एवेल्यूशन करिए आपके कितने मार्क्स हैं एक्सप्लेनेशन शाम को रखा जाएगा ये करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।